नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी के रोशन बाग में शिवसेना शाखा का उद्घाटन हुआ। भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश मात्रे के समर्थक इम्तियाज अंसारी का जन्मदिन भी मनाया गया और इम्तियाज अंसारी ने अपनी शाखा में आरोग्य शिविर का आयोजन किया। रोशन बाग के नागरिकों को आरोग्य की सेवा उपलब्ध कराई। भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश मात्रे ने इम्तियाज अंसारी की तारीफ में कहा कि आने वाले चुनाव में इम्तियाज अंसारी रोशन बाग के प्रत्याशी रहेंगे और भिवंडी के इस रोशन बाग में आज भगवा झंडा गाड़ दिया। भिवंडी शहर के विधायक रुपेश मात्रे ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में घोषणा की है कि 80% समाजकरण और 20% राजकरण, यानी कि जितनी भी महाराष्ट्र में शाखाएं हैं वहाँ से समाज सेवा होती है, इस तरह से भिवंडी शहर में भी रोशन बाग से इस शाखा से समाज सेवा होगी और इम्तियाज अंसारी इस काम को बखूबी निभाएंगे। हालांकि भिवंडी शहर में हम देख रहे हैं कि राजनीति काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रही है। शिवसेना ने भी अपनी कमर कस ली है, शिवसेना ने भी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अपनी अपनी ताकत दिखाने में सभी पार्टियां की होड़ लगी है। शिवसेना भी पीछे रहना नहीं चाहती और शिवसेना ने भी अभी अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी शाखाओं पर शाखा खोलना शुरू हो गई है। कुछ शाखाएँ बंद थी, उन शाखाओं को फिर से खोलना शुरू कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिए। भिवंडी से अमृत शर्मा, एसटीएस टाइम्स। आज हमारे सहयोगी एक अच्छे कार्यकर्ता, शिवसेना के शाखा प्रमुख और आने वाले दिनों में यहाँ पर भिवंडी महापालिका के चुनाव में हमारे प्रत्याशी रहने वाले इम्तियाज अंसारी, इनका आज बर्थडे है। सबसे पहले मैं उनको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बर्थडे के इस प्रोग्राम के समय उन्हीं के जनसंपर्क कार्यालय, जिसे शिवसेना की शाखा के रूप में यहाँ पर आज ओपनिंग किया गया है, निश्चित रूप से शिवसेना की शाखा जहाँ पर खुलती है वहाँ पर लोगों के अच्छे काम होते हैं। लोगों को जो भी ज़रूरतें रहती है, समस्याएं रहती है, वो शिवसेना शाखा में आके लोग वो सुलझाते हैं और यहाँ पर हमारे इम्तियाज भाई निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को न्याय देने का काम करेंगे और जो भी लोगों के मसाइल हैं वो छुड़ाने का काम करेंगे। और इस विभाग में जैसे आरोग्य की समस्या हो, किसी के स्कूल के प्रवेश की समस्या हो, कॉलेज के एडमिशन की समस्या हो, चाहे जो जो ज़रूरतें हैं, जैसे हेल्थ के बारे में आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें आज तक आपको सबको मालूम है कि शिवसेना के शाखा के माध्यम से हर जगह होती आई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने आदेश दिया है कि कोरोना के काल में लोगों को आरोग्य के बारे में जो समस्या रहेगी वो सुलझाने का काम हर शाखा से हो। इसी तरह का काम यहाँ पर हमारे इम्तियाज भाई अंसारी और उनके सभी सहयोगी जो है उनके माध्यम से आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को इस कोरोना काल में किसी को आरोग्य की समस्या है तो उसकी टेस्ट भी हो जाए और उनको दवाई भी यहाँ पर प्राप्त हो जाए। इस तरह का काम इन्होंने आज यहाँ पर किया है। आने वाले समय में हर चीज़ जो जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह का काम यहाँ से निश्चित रूप से शाखा में से हमारे इम्तियाज भाई करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि पिछले कई सालों से हम इम्तियाज भाई के का काम को जानते हैं कि पूरे शहर में कहीं भी किसी गरीब को कुछ काम रहता है या गरीब पर समस्या आती है तो हमारे सभी सहयोगी, जैसे नईम भाई है, हमारे इधर नज़ीर भाई है, जमील भाई है, ये सभी लोग यहाँ पर इस तरह के काम करते हैं। शहर में कहीं भी जाते हैं तो इनका नाम सुनने को आता है। हमारे तारिक काजी जैसे कार्यकर्ता है जो कोरोना काल में भी डॉक्टरों की भी सेवा की है, लोगों की भी सेवा की है, इस तरह का काम उन्होंने किया है। इस
तरह का काम पिछले 2-3 सालों से मैं यहाँ पर इम्तियाज भाई के और उनके दोनों भाई जो है संगठना के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस विभाग का विकास करने के लिए ये लोग निश्चित रूप से सक्षम हो जाएंगे। इनको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मेरा सहयोग उनके साथ रहेगा, कि आज के समय में आपको वादा करता हूँ। आज यहाँ पर शिवसेना शाखा का जो ओपनिंग था उसके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह से आज ये कार्यक्रम पूरा आयोजित हुआ? आज वार्ड दिवस के मौके पे मैंने एक कैंप का आयोजन किया। हमारे सम्मान्य माजी आमदार शिवसेना के मुकेश दादा मात्रे साहब आकर यहाँ पर ओपनिंग किए और यहाँ पर शाखा खोल के और अच्छे से लोगों का काम करने का काम हम लोग यहाँ करेंगे और यहाँ पर पार्टी को बढ़ाएंगे। अभी तक यहाँ किसी ने सेना का झंडा गाड़ा नहीं है और मैंने यहाँ पर सेना का झंडा गाड़ दिया है और इंशाल्लाह इसको कॉरपोरेशन तक लेके जाएंगे। और अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझको पॉलिटिक्स में ऐसा गुरु और ऐसा मार्गदर्शन दिया रुपेश दादा मात्रे साहब के रूप में कि अच्छे काम ही करने का सिर्फ एक हमको वो मिला मौका। और यहाँ पर ना कोई गलत काम होता है ना कुछ, समाज सेवक करने का काम ही सिर्फ हम करते हैं, बाकी और ऐसा कोई भी काम नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शिवसेना को पूरी से पूरी ताकत के साथ यहाँ पर हम इस बार कॉरपोरेशन में अपना नगर सेवक या जो भी प्रत्याशी मैं रहूँ या और कोई भी रहा तो उसको भेजना है।